हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं अलविज न्यू। आज इस एपिसोड में आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार सलमान खान की न्यू मूवी भारत, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। और ये ट्रेलर रिलीज़ किया गया है टी सीरीज चैनल पे, जो कि अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है। अब बात करते हैं मूवी के 24 आवर्स में मूवी ने किस तरह से रिस्पॉन्स लिया है ऑडियंस से। तो अभी तो फ़िलहाल इसे 24 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, 25 आवर्स हो चुके हैं। तो अभी तक मूवी ने जो व्यूज़ हासिल कर लिए हैं वो 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट व्यूज़ बताऊँ तो वो है 2,06,63,000 इस मूवी ने व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। अब बात करते हैं मूवी के लाइक्स की और डिसलाइक्स की। तो मूवी ने लाइक्स जो हासिल कर लिए हैं वो 8,25,000 लाइक मूवी पे, मूवी के ट्रेलर पे हो चुके हैं, और डिसलाइक सिर्फ 80,000 हुए हैं। यानी लाइक्स और डिसलाइक्स का जो रेशो है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कम डिसलाइक्स इसे मिले हैं और लाइक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब है कि मूवी के ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अब बात करते हैं मूवी के ट्रेलर के बारे में कि मूवी का ट्रेलर किस तरह से है। तो मुझे पर्सनली ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। मूवी में जितना आपको VFX थोड़े बहुत जगह पे दिखाई देगा वो काफ़ी अच्छा है। खासकर आपको इसमें मास एंटरटेनमेंट वाला फील भी दिखाई देगा और एक इमोशनल मूवी में फील भी दिखाई देगा, और आपको कॉमेडी के सीन भी दिखाई देंगे। तो तीनों चीज़ें ये मूवी में होने वाली है, और आपको पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान के नज़ारे या उस दौरान का क्या क्या उस टाइम हुआ था वो भी आपको मूवी में दिखाई देगा। जैसा आपको पता ही है कि ये ऑफिशियल अडॉप्टेशन है कोरियन मूवी और टू माई फादर की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी और उसकी और टू माई फादर और भारत की जो स्टोरी लाइन होने वाली है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। और मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो दिशा पाटनी आपको इसमें दिखाई देंगी, आपको सुनील ग्रोवर दिखाई देंगे, जैकी श्रॉफ दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ सलमान खान तो हैं ही, जिनके नाम पे मूवी चलेगी। और अब बात करते हैं कि व्यूज़ काउंट। तो व्यूज़ काउंट मूवी के जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मूवी जो है ट्रेंडिंग में इसलिए नहीं आई क्योंकि टी सीरीज़ की पहले से ही एक वीडियो ट्रेंडिंग पे थी, जो कि गुरु रंधावा और पिटबुल का सॉन्ग था स्लोली स्लोली। तो एक ही वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग पे आती है, तो टी सीरीज़ की पहले से ही ट्रेंडिंग में वीडियो थी, तो इसीलिए भारत मूवी का ट्रेलर जो है वो ट्रेंडिंग पे नहीं आया। तो अब बात करते हैं मूवीज़ के लो व्यू काउंट की, कि इतना लो व्यू काउंट क्यों रहा। पहले तो मैं बता दूं कि ये व्यू काउंट जो है वो लो नहीं है। सलमान खान की शायद ये हाइएस्ट व्यू काउंट होने वाला है उनके किसी भी ट्रेलर का जो अभी तक रिलीज़ हुआ है। लेकिन फिर भी आजकल के हिसाब से, क्योंकि आजकल व्यूज़ जो लेती हैं मूवीज़ ट्रेलर, मूवी के ट्रेलर व्यूज़ वो काफ़ी ज़्यादा 50-50 मिलियन, जैसे जीरो मूवी ने अपने फर्स्ट डे पे ही अराउंड 40-45 मिलियन तक के व्यूज़ उसने ले लिए थे, लेकिन उस मूवी का बॉक्स ऑफिस उतना अच्छा नहीं रहा था। तो अब ये डिपेंड नहीं करता कि किस तरह से व्यूज़ मूवी पे आते हैं, मूवी के ट्रेलर पे आते हैं और कलेक्शन पे। मूवी की अगर स्टोरी अच्छी होगी तो कलेक्शन भी मूवी का अच्छा होगा। और इस मूवी को, भारत मूवी के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि इसकी स्टोरी जो है वो एक अच्छी खासी स्टोरी होने वाली है। तो अब आपको सलमान खान की जो मूवी है ये दिखाई देगी 5 जून 2019 में थिएटर्स में। तो वहाँ पे व्यूज़ मैटर नहीं करेंगे, वहाँ पे स्टोरी लाइन मैटर करेगी। ऑफकोर्स व्यूज़ मैटर करते हैं कि मूवी कितनी पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन व्यूज़ ये मैटर नहीं करते कि कलेक्शन किस तरह से होगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ है जिसने एक दिन में करोड़ों करोड़ों व्यूज़ लिए हैं YouTube पे, लेकिन उनका कलेक्शन जो है वो काफ़ी डल रहा है। तो ये सुपरस्टार सलमान खान की जो मूवी है भारत, उसका जो ट्रेलर है ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा है टी सीरीज़ के ऑफिशियल चैनल पे, और इसने 20 मिलियन व्यूज़ भी क्रॉस कर लिए हैं। लेकिन ये किस तरह से थिएटर में परफॉर्म करेगा वो आपको उसी दिन पता चलेगा जब इसके फर्स्ट रिव्यूज़ सामने आएंगे। और अब क्रिटिक्स जो रिव्यूज़ देते हैं वो भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि एक अच्छी मूवी, काफ़ी अच्छी आप उसे कह सकते हैं 2019 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी द ताशकंद फाइल, उसे किसी भी क्रिटिक्स ने रिव्यू नहीं किया क्योंकि वो पॉलिटिकल पचड़ों में फंसना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इसका रिव्यू नहीं किया और ये मूवी
फिर भी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है। तो अब इतना फर्क नहीं पड़ता कि क्रिटिक्स कितना रिव्यूज देते हैं और किस तरह का रिव्यू देते हैं, अब फर्क पड़ता है कि ऑडियंस कैसा रिव्यूज देती है। जब थिएटर से ऑडियंस बाहर निकलती है तब ऑडियंस के मन में क्या चलता है, उन्हें मूवी अच्छी लगी नहीं लगी, वो सब डिपेंड करता है कि मूवी का कलेक्शन किस तरह से होगा। तो आपको क्या कहना है इस न्यूज़ के बारे में और इसके कलेक्शन के, कि इसका कलेक्शन किस तरह से होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इस तरफ या इस तरफ चैनल का आइकन नज़र आ रहा होगा, आप उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।